देखो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हमने तीन तरीके निकाले जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को निकाला जा सकता है। वो उन तीन मेथड्स में पहला मेथड क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज। दूसरा मेथड था माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और तीसरा मेथड क्या था, फाइंडिंग पोटेंशियल्स का डिफरेंस। तो इन तीन तरीकों को कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल से बताया था। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम किए, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था, आज हम यहाँ से करेंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर, सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर, और ये सॉल्यूशन गलत है, इसका अपना आंसर निकालें क्या होगा, एक बार चेक करें प्लीज़। करें स्टार्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं एक मेथड यूज़ करूं तो आपको ये बताना है क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं। मैंने इसमें सपोज़ करो 10^-9 कूलम को ए पे लेके आना है, तो मैंने इमेजिन कर लिया कि 10^-9 कूलम पे मैंने इस चार्ज को रखा हुआ है, और मैं वर्क डन निकालने के लिए इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूं, क्योंकि अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने इमेजिन कर लिया कि यहीं पे पड़ा हुआ है, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको निकालनी सिखाई थी 1/4πε0 दिस इंटू दिस बाय दिस, ऐसी इन दो की ऐसी इन दो की, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि ये मेथड से आंसर आएगा, सही आएगा, और अगर नहीं आएगा तो ऐसा क्यों नहीं आएगा। मेथड समझ में आया, तो मैंने 10^-9 को अज्यूम कर लिया यहां पे पड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं सिस्टम की तो वो भी तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ही तो होता है ना, तो मैंने एनर्जी निकाल दी, उसमें फर्क क्या है, तो वर्क डन की वैल्यू आ गई। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि नहीं ये ठीक है मेथड चलेगा, और कितने लोग कहते हैं कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ है तो फिर क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? नहीं ऐसा इसमें कोई रूल नहीं लगेगा, किसे? हाँ ठीक है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स तो नहीं, हम तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में चार्जेस को लाते हैं इन्फिनिटी से, और अगर हर बार इन्फिनिटी जीरो होगा फिर तो सारे वर्क डन जीरो होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन मेरी बात भी तो ठीक है ना, कि मैं एनर्जी निकाल लूँ या वर्क डन निकाल लूँ, बात तो एक ही है, क्योंकि एनर्जी की जो डेरिवेशन थी वो निकली तो वर्क डन से ही थी ना, तो फिर गलत कैसे है? हाँ क्योंकि अगर मैं 10^-9 लेता हूँ तो पूरे सिस्टम की एनर्जी आएगी, और सिस्टम समझते हो, सिस्टम का मतलब तीन चार्जेस को इनिशियली इन्फिनिटी पे मानो, पहले फर्स्ट को रखो उसका वर्क डन, दूसरे को रखो उसका वर्क डन, फिर तीसरे को रखो उसका वर्क डन, तो टोटल वर्क डन टोटल W1 W2 प्लस वो सिस्टम की एनर्जी है। उसने हमसे वर्क डन, तीन तीन वर्क डन तो पूछे नहीं, उसने तो एक ही वर्क डन पूछा, बस 10^-9 चार्ज को रखने का वर्क डन पूछा। वो ये अज्यूम कर रहा है कि ये चार्जेस तो ऑलरेडी यहां पर पड़े हुए हैं, तो इसका वर्क डन कैलकुलेट नहीं करना, इसलिए
आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते इसमें। फर्क समझ में आया? क्योंकि अगर आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैलकुलेट करोगे, इसका मतलब आप टोटल वर्क डन निकाल रहे हो तीनों चार्जेस को इन्फिनिटी पे लाने का, पर उसने तीनों चार्जेस को का वर्क डन नहीं पूछा, उसने सिर्फ एक चार्ज को उठा के वर्क डन पूछा है। तो एक और तरीका है हमारे पास, यहां पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं। जो ए पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल लगाएगा कौन? एक ये लगाएगा और एक ये लगाएगा। कितना लगाएगा? 1/4πε₀3×10⁻⁹ / 2×10⁻², प्लस ये भी सेम लगाएगा 1/4πε₀3×10⁻²⁹ (2×10⁻²). तो ये पोटेंशियल लगाएगा, कितना लगाएगा? वी ए लगाएगा, और यहां पर चार्ज कितना है? ये चार्ज है। तो वर्क डन की वैल्यू विल बी इक्वल टू चार्ज 10⁻⁹ × पोटेंशियल वी ए। जो भी आंसर आएगा दिस इज द आंसर। आपको मेथड समझ में आया? हमने ये डेरिवेशन के टाइम भी सेम किया था कि आप एक पॉइंट पर चार्ज रख दो, वहां पे पोटेंशियल पड़ा हुआ है, चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो कैसे निकलेगा अमाउंट ऑफ वर्क डन? क्लियर है? चार्ज इंटू पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ये हमने कर लिया था। ओके, इस क्वेश्चन में एक टर्म यूज की जा रही है जिसको बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होता है, इसको समझें। मान लें आपके पास दो चार्जेस हैं, एक क्यू चार्ज है और एक क्यू चार्ज है। क्यू और क्यू चार्ज एक दूसरे के आमने सामने आपने विद वेलोसिटी ऑफ वी फेंक दिए, या आपने काइनेटिक एनर्जी दी, आपने एक दूसरे के सामने फेंक दी। ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं और कुछ पॉइंट दूर आके ये रुक जाएंगे। क्यों रुकेंगे? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो ये टच नहीं कर पाएंगे, रिपल्शन की वजह से रुक जाएंगे फॉर एन इंस्टेंट। फिर अलग बात है कि वो वापस चले जाएं, क्योंकि आएंगे, रुकेंगे और चले जाएंगे। तो फॉर एन इंस्टेंट ये यहाँ पर आके रुक गए। इस दूरी को, इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये टर्म कहाँ से आई? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, न्यूक्लियस की जब डिस्कवरी हुई थी तो उसमें आपने सुना होगा गोल्ड फॉयल। ये रहा गोल्ड का न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल कुछ आए पर इसको टच नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ से ये रिपेल हो गए। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए ये रिपेल हो गए। तो कितने डिस्टेंस से रिपेल हुए उसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। क्लियर है ये टर्म कैसे यूज होती है? तब आपको इस क्वेश्चन में निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन्स को फेंका गया और दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ वी एंड वी, और ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और रुक जाएंगे। तो आर नॉट पे रुक गए। यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें? जब आपने दोनों को एक दूसरे की तरफ फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ वी एंड वी, तो आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या दी? काइनेटिक एनर्जी। अब फोर्स का कॉन्सेप्ट ना लगाएं, अब एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएं। तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मूव कर रहे हैं और फाइनली क्या हुआ? ये रुक गए। तो काइनेटिक का क्या होगी दोनों की? जीरो। काइनेटिक जीरो हो गई और इनके बीच में क्या क्रिएट हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε₀Q1Q2R₀, जो भी होगा। तो हुआ क्या इसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट लगाएं और आर नॉट निकाल लें, इक्वेट करें काइनेटिक एनर्जीज को। तो क्या करेंगे? इनिशियली जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? हाफ एम वी स्क्वायर। इसके बाद भी कौन सी है? हाफ। तो ये इनकी इनिशियल एनर्जीज हैं। तो इनिशियल ये एनर्जी है और ये बहुत दूर है एक दूसरे से। बहुत दूर का मतलब डिस्टेंस इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इनकी? जीरो। क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब आर इन्फिनिटी, तो 1/4πε₀Q1Q2∞। 1/∞ क्या होता है? जीरो। तो बहुत दूर में सिर्फ काइनेटिक है, पोटेंशियल नहीं है। और जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए तो काइनेटिक क्या हो गई? जीरो। सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये रही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां से आर नॉट निकालना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, वेलोसिटी पता है, सॉल्व करके आर नॉट कैन बी कैलकुलेटेड। तो
तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है। तो जब भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट यूज होगा, हमेशा आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी दो पार्टिकल्स की पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दी जाती है, तो वहां से आर नॉट को कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो पॉइंट क्लियर है। आप कहेंगे सर फोर्स क्यों नहीं लगाई, फोर्स में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि फोर्स से कर नहीं सकते, फोर्स से कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो डिस्टेंस कम हो रहा होगा, फोर्स की वैल्यू स्टार्ट्स चेंजिंग, फोर्स चेंज हो गई, वी हैव टू यूज इंटीग्रेशंस। तो कौन करेगा इंटीग्रेशन? सेम प्रॉब्लम, जो काम फोर्स फ्रिक्शन में नॉर्मल लंबे तरीके से करते थे वो वर्क एनर्जी पर छोटे तरीके से करता था। इनिशियल पॉइंट लो, फाइनल लो, एनर्जी को कंजर्व कर दो आंसर। तो इंटीग्रेशन से बचने के लिए सेम ऐसे ही। तो कुछ कॉन्सेप्ट एनर्जी से सॉल्व हो सकते हैं इजीली, कुछ फोर्स से हो सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट किससे सॉल्व होगा? एनर्जी से। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, काम खत्म। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक ये क्वेश्चन है, एक बार प्लीज रीड करें। तो इसके अंदर तीन चार्जेस हैं, ठीक है, तीन चार्जेस जिनकी वैल्यू क्यू, टू क्यू और एट क्यू, ये गिवन है। और कहाँ पर पड़े हुए हैं? प्लेस्ड ऑन 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। तो 9 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये तीन चार्जेस को रख दिया गया। आगे, फाइंड पोजिशंस वेयर चार्जेस शुड बी प्लेस्ड सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक, तो चार्जेस को कहाँ प्लेस करें? दो तो कॉर्नर्स पे रहेंगे, दो चार्जेस तो कॉर्नर्स पे रहेंगे, एक चार्ज 9 सेंटीमीटर पे कहाँ रखें ताकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाए? मिनिमम। जब भी ऐसी बात करता है ना, मिनिमम मैक्सिमम, तो यानी कि डिफ्रेंशिएशन तो यूज करेगा, क्योंकि एनर्जी को मिनिमम करना है तो एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करेगा और इक्वल टू क्या करेगा? जीरो, अपने आप आंसर आएगा। हमने फोर्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम की थी, पर करने से पहले इनकी जो पोजिशनिंग है ना वो सही नहीं है। चाहे उसने हमें क्वेश्चन में कहा कि तीन चार्जेस ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे रखने से उनकी एनर्जी कभी भी मिनिमम आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? वो इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2/R। जितना आर कम होगा एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना प्रोडक्ट ज़्यादा होगा एनर्जी ज़्यादा होगी, यही रूल है। हमने एनर्जी को क्या करना है? मिनिमम। तो हम डिस्टेंस को क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करेंगे ताकि एनर्जी क्या आए? मिनिमम। ऐसे ही होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास तीन चार्जेस हैं। आप पेयर लोगे, एक पेयर, दो पेयर, फिर तीन पेयर। तीन पेयर में एक पेयर Q × 2Q भी लोगे, दूसरे में 2Q × 8Q भी लोगे, तीसरे में 8Q × Q भी लोगे। इसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, डिस्टेंस को तो कर सकते हो। तो आप ये देखो, ये दो बड़े चार्ज हैं और एक छोटा चार्ज है। बड़े बड़े चार्जेस को तो आपने रख दिया पास, डिस्टेंस कर दिया इनका कम, तो एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो हमें बड़े बड़े चार्जेस को पास रखने की बजाय कहाँ रखना चाहिए? दूर रखना चाहिए ताकि एनर्जी क्या है? कम। तो पहले इनकी पोजिशनिंग चेंज करो। तो बड़े बड़े चार्जेस को कॉर्नर पर रखो और छोटा चार्ज को कहीं भी बीच में रखो। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ताकि बड़े बड़े चार्जेस दूर होंगे, डिस्टेंस इनके बीच में ज्यादा होगा, एनर्जी अपने आप ही कम होके आएगी। क्लियर है यहां तक? तो पहला स्टेप क्लियर है। तो आपने ये 2Q और 8Q को कॉर्नर पे रख दिया, एक चार्ज लिया Q, वो कह रहा है 9 सेंटीमीटर के ऊपर इसको कहां रखें। कहां रखने का मतलब, अगर ये x है तो ये 9 − x है, आपको x बताना है ताकि सिस्टम की एनर्जी पोटेंशियल क्या रहे? मिनिमम। तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो पहले ये बताओ
इस डायग्राम को देखते हुए इसकी एनर्जी होगी क्या? इनकी एनर्जी लेने के लिए आपको पेयर लेने पड़ेंगे तीन। पहला पेयर ऑफ एनर्जी 2q और q के बीच में ये रहा, और क्योंकि 9 सेंटीमीटर था तो x भी किस में चलेगा? सेंटीमीटर में, इसलिए x इंटू 10^-2 किया हुआ है। क्लियर है? और ऐसे ही दूसरा पेयर q और 8q का 9-x सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट किया। तीसरा पेयर 2q और 8q का और 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो ये मेरे पास सिस्टम की क्या आ गई? पोटेंशियल की एनर्जी। कोई डाउट इसमें? अब मुझे ये एनर्जी को क्या करना है? मिनिमम। तो मिनिमम करने के लिए इन्हें क्या करें? डिफरेंशिएट, और इक्वल टू क्या करें? जीरो, पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करें? जो चीज निकालनी है। क्या निकालनी है? एक्स निकालना है। तो एक काम करते हैं, du/dx इज इक्वल टू जीरो, तो एनर्जी को क्या करना है? मिनिमम। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इक्वल टू जीरो, ऑटोमेटिकली एक्स आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, जो भी यू की वैल्यू आपने इसमें निकाली, जो भी आपने यू की वैल्यू इसमें की पूरी निकाली, इस पूरी की पूरी यू की वैल्यू को यहां पर क्या पुट कर देंगे? और इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। क्लियर है यहां तक? तो एक काम करते हैं, ये मैंने ये देखो पुट किया यहां पर, ये मैंने पूरे का पूरा यू, इस पूरे के पूरे यू की जगह ये पूरी की पूरी टर्म क्या की? पुट की, और इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ये मैंने इक्वल टू जीरो पुट किया। अब रूल क्या बनता है? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म एंड डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड टर्म। जो तीसरी टर्म है उसमें ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट है, सारी टर्म्स ही कांस्टेंट है। और अगर सारी टर्म्स कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? जीरो। तो इसकी डिफरेंशिएशन तो पूरी तरह क्या कर देंगे? जीरो। इसको लेने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, बची ये दो टर्म्स। इन दो टर्म में से क्यू 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 कॉमन निकाल के जीरो से काट देंगे, गया। 1/4πε0 भी कॉमन निकाल के गया जीरो से। फिर 10^-2, 10^-2 भी गया जीरो से। क्या बच गया आपके पास? एक बच गया 2 और एक बच गया x, एक बच गया 8 और एक बच गया 9-x। ये देखो, क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? सब कुछ कैंसिल करने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बचती है। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू जीरो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म में 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आ गया, d/dx ऑफ x ऊपर चला गया, तो x^-1। फिर ऐसी 8 बाहर आ गया, d/dx ऑफ 9-x ऊपर आ गया, तो raise to power -1। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसमें -1 नीचे, x^-1, -1, -2, ऐसी -1 नीचे, 9-x^-1, -1, -2, और इन टू पावर छोड़ देंगे, तो d/dx ऑफ 9-x एंड में इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएशन का स्टेप है ये। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये डिफरेंशिएशन क्लियर है? मेडिकल वाले, मेडिकल अंकित, अनिकेत, नॉन मेडिकल, मैथ के टीचर सिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं। नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, नहीं आती, कोई इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में कैलकुलस आने वाले आपको सिखा देंगे, कोई इतनी वो नहीं है। और मेडिकल में बहुत ज़्यादा इतनी आती भी नहीं है, इसलिए कोई टेंशन लेने की दोनों तरफ से जरूरत नहीं है। पर मेरा काम है, मुझे बताना है, मेरे को एंड सॉल्यूशन भी बताना है। तो ये स्टेप करके यहाँ पे -8 -8, d/dx ऑफ 9 कॉन्स्टेंट इज 0, और d/dx क्या होता है? 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रादर, यहाँ पर ये देखो ये प्लस हो गया इक्वल टू जीरो। ये पूरी की पूरी टर्म राइट पे जाएगी, तो माइनस 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 अगेन प्लस, तो x^-2, और यहाँ पर क्या बच गया? 9-x^-2, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे x^-2 का मतलब 1/x², और इसकी जगह 1/9-x का होल स्क्वायर। अंडर रूट लें, इसे सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को निकालेंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस पर लिख सकते हैं, नॉट फॉर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं आएगा।
एक चार्ज नेगेटिव होता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम जब एनर्जी ले रहे हैं तो एक्स को देखना है आपने, आर को देखना है, उससे कोई फर्क नहीं। Yes, बोलो। आखिरी वाला, ये इसलिए क्योंकि टू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, डिस्टेंस 9 कांस्टेंट है, तो वेरिएबल एक्स तो है ही नहीं, वेरिएबल तो एक्स है ना इसमें सिर्फ। ओके, ये एक क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव शीट्स में मिलेगा, हर बुक में मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको मान लो ये ई वेक्टर गिवन है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, एक्स एक्सिस, और वो चार्ज को 2 मीटर यहाँ पे लेके जा रहा है। अब देखो, चार्ज को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हम चार्ज को भी उसी के अलोंग यहाँ से वहाँ उठा दिया, वहाँ से यहाँ उठा दिया, वर्डन पूछ लिया। वो कहता है मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चार्ज को मूव करवाना ही नहीं है, मेरे को चार्ज को कहाँ मूव करवाना है, यहाँ मूव करवाना है 2 मीटर, विच ये जो डिस्टेंस है इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो यानी कि डी आर डिस्प्लेसमेंट में और ई वेक्टर में यहाँ पर एंगल 0 नहीं है, यहाँ पर एंगल कितना है, 60 है। तो फर्क समझ में आ रहा है। तो आपकी चार्ज की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, मैं चार्ज को यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो डी आर यहाँ पर है, ई वेक्टर यहाँ पर है, गिवन है, डायग्राम भी गिवन है। तो एंगल बिटवीन डी आर एंड ई इज 60। आपको वो कह रहा है कि जब मैं एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, डी आर 0.2 कूलम के चार्ज को, तो मैंने इतना वर्क डन किया, 4 जूल का वर्क डन किया। तो अगर मैंने 4 जूल का वर्क डन किया, 0.2 कूलम चार्ज को उठा के 2 मीटर पे लेके जाना है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो आपको बताना है इस केस में ई क्या रहा होगा। देखो, मेरे को अगर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, मुझे ये तो समझ में आता है कि हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन। चलो, मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ से शुरू करना है, पर यह समझ में आता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और वैक्टर फॉर्म में अगर बात करते हैं तो एफ वैक्टर डॉट आर वैक्टर। और क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स कहां पर है, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स किसकी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहां है, एक्स एक्सिस। तो जिस तरफ ई है उसी तरफ एफ है, क्योंकि ई की डेफिनेशन क्या है, एफ अपॉन क्यू, तो ई और एफ की डायरेक्शन तो सेम है। तो एफ अगर इस तरफ है, आर इस तरफ है, तो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 60। तो फोर्स में डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 60। इसे ओपन करेंगे तो एफ इंटू आर इंटू कॉस ऑफ 60। क्लियर है यहाँ तक? और क्योंकि फोर्स किसकी वजह से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, तो एफ की वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्यूई, एफ इज इक्वल टू क्यूई। तो ये स्टेप भी क्लियर है यहाँ तक? अब आपको इस क्वेश्चन में वर्क डन गिवन है 4, आपको चार्ज गिवन है 0.2, ई आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको 2 मीटर है, कॉस 60 हाफ है, सॉल्व करके ई कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहा है। हालांकि आप इसमें एक और भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो, वैसे बताऊं, पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस ई डॉट डी आर, और वर्क डन को क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे, वर्क डन अपॉन चार्ज। वो बात एक ही है, बात एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बट इसमें थोड़ा ईजी है, तो सिंपल ही सीधा ही वर्क डन का फॉर्मूला लगाया और एफ को क्यू ही पुट कर दिया, एक ही बात है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? ठीक, तो ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस सर। ठीक, यस सर। 22 के बाद शीट नंबर 23, यही है 23, यही है 23 में ये एक टॉपिक है,
एनसीईआरटी की डेरिवेशन है, ये आ भी जाती है कि एक फिर से डायपोल लो, फिर से एक डायपोल लो, डायपोल भूल तो नहीं गए, प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, डायपोल ले लिया, उस डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर वी निकाल लो। पहले हम क्या निकालते थे, ई निकालते थे, अब क्या निकालना है, वी निकाल लो। इक्वेटोरियल के ऊपर वी निकाल लो, एनी पॉइंट के ऊपर वी निकाल लो। आपने चीज नोट की, सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। पहले हमने पॉइंट चार्ज में ई निकाला था, अब भी हम पॉइंट चार्ज में वी निकाल रहे हैं, अभी उसी स्टेज पे हैं। फिर हम डायपोल इंट्रोड्यूस करते हैं, डायपोल से ई निकालते हैं, डायपोल से वी निकल रहा है। फिर क्या करते थे, फिर हम कॉम्प्लिकेट वो कॉम्प्लेक्स बॉडीज लेते थे, स्फेयर शेल, और हम ई निकालते थे। बस अगले लेक्चर में हम शेल स्फेयर्स का वी निकाल लेंगे। फिर रिंग डिस्क की बारी आई थी, ई निकलता था, इसमें अब रिंग डिस्क में वी निकलेगा। फिर आर्क में ई निकलता था, आर्क में वी निकलेगा, फिर वो चैप्टर खत्म हो जाता था, तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सेम है, रिपीट है, पहले ई फिर वी 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 वी। तो फिर स्टार्ट करते हैं डायपोल के साथ। तो फिर से एक बार डायपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 2a। तो इस केस में इमेजिन करो कि आपके पास एक डायपोल पड़ा हुआ है, ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है, सपोज दिस इज q एंड दिस इज माइनस q, और ये डिस्टेंस कितना है a, और ये डिस्टेंस भी कितना है a, राइट। सपोज करो इसके सेंटर से, इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर एट एन एंगल ऑफ थीटा, सारे डिस्टेंसेस कहां से लेते हैं, फ्रॉम सेंटर, आपको क्या निकालना है, v निकालना है, आपको v निकालना है, राइट। तो अगर आपको v निकालना है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ये डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूं और एक ये डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूं, सच दैट ये जो डिस्टेंस है सपोज करो वो है r1, और ये जो डिस्टेंस है सपोज कितना, r2, और मैं पूछता हूं कि v कितना है, तो आप मुझे बोलेंगे v की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q चार्ज कितना v लगाएगा, q बाय r 1, और उसी तरीके से 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q चार्ज कितना लगाएगा, माइनस q बाय r2। तो आंसर आ जाएगा, दिस इज द आंसर। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस q ने v लगाना है, माइनस q ने v लगाना है, क्योंकि ये वेक्टर तो है नहीं, स्केलर्स हैं, तो एज इट इज विद नेगेटिव साइन ऐड कर देना, डन। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डायपोल के जितने भी रिजल्ट हैं वो r1 r2 में नहीं चलते, वो r में चलते हैं, और वो a में चलते हैं, और वो थीटा में चलते हैं। तो आपका आंसर r1 r2 में नहीं आएगा, ये तो मैंने खुद अपनी तरफ से क्या ली, अजम्पशन ले ली है कि चलो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इतना है, लेकिन आपका रिजल्ट किस फॉर्म में आना चाहिए, r में और a में आना चाहिए, क्लियर है यहां तक। तो उसको हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट कुछ अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट निकालेंगे। देखो कैसे हम क्या करते हैं कि ये अगर एंगल थीटा है, इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये बेटर डायग्राम है, ये देखो। तो आपको ये माइनस क्यू प्लस क्यू क्लियर है, इस माइनस क्यू प्लस क्यू के सेंटर से, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालना है, वी निकालना है, क्लियर है। फिर आपने क्या किया, ये आर वन, आर वन डिस्टेंस ले लिया, ये आर टू डिस्टेंस ले लिया, ये भी क्लियर है, ठीक। फिर आपने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन की, ये इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लिया, तो इस लाइन को एक्सटेंड करके इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, और ऐसे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसे, कोई फर्क नहीं है, ठीक, बताता हूं क्यों किया। और इससे क्या हुआ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना है, थीटा है, तो थीटा और थीटा क्लियर है, ठीक है। तो एक एंगल कितना है, थीटा, दूसरा एंगल भी कितना है, थीटा, कोई डाउट इसमें। तो ये कौन से एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, क्लियर है। अब इसके अंदर अगर ये साइड ए है, अगर ये एंगल थीटा है, तो मुझे समझ में आता है कि कॉस थीटा इस ट्राइंगल से इज एक्स, मान लो ये एक्स है डिवाइडेड बाय ए, तो यानी कि कॉस थीटा, मान लेते हैं डिस्टेंस एक्स है, इज इक्वल टू एक्स बाय ए, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए कॉस थीटा। तो यानी कि इस राइट एंगल ट्राइंगल से
अगर ये ए है तो ये ए कॉस थीटा, सिमिलरली इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्योंकि 90 डिग्री है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई ए, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए कॉस थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये ए कॉस थीटा और ये ए कॉस थीटा, राइट? ठीक है, अब यहां से अब हम जो रिजल्ट निकालने जा रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं आएगा इसमें। कैसे? ये डिस्टेंस देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस है ये देखो, ये जो डिस्टेंस है ये r1 है। मैं अप्रोक्सीमेटली कहा, मैंने अप्रोक्सीमेटली क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, a बहुत छोटा है तो a cos थीटा भी बहुत छोटा है, तो r1 अप्रोक्सीमेटली मैं इस लेंथ के इक्वल लेने वाला हूं। अप्रोक्सीमेटली ये दोनों लेंथ को क्या लेने वाला हूं, सेम। अब ये r1 इज इक्वल टू, अगर ये लेंथ लेता हूं तो ये दूरी कितनी है r, और प्लस क्या हो जाएगा a cos थीटा। तो r1 को मैंने इक्वल टू बिल्कुल भी नहीं लिखा, मैंने कहा अप्रोक्सीमेट, तो r1 अप्रोक्सीमेटली r प्लस a इंटू cos थीटा। कोई डाउट इसमें? तो r1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, r r प्लस a cos थीटा, राइट? फिर से ये लेंथ, ये लेंथ और अप्रोक्सीमेट ये लेंथ मैं बराबर ले रहा हूं क्योंकि a इज वेरी वेरी स्मॉल डायपोल में, तो लेंथ देखने में बड़ी है लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में बहुत ज्यादा छोटी है ये। तो मैं कह रहा हूं कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस को मैं बराबर ले रहा हूं, ठीक? तो ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना है r और ये कितना है a cos थीटा, तो फिर टोटल मिला के r1 किसके इक्वल हुआ अप्रोक्सीमेटली, r प्लस a cos थीटा। तो ये स्टेप क्लियर है ऑनलाइन वालों को? क्लियर है ये? यस सर। ठीक, अब उसी तरीके से r2 की बात करते हैं, तो r2, r2 अप्रोक्सीमेटली मैं इसके इक्वल लेने वाला हूं, वो क्यों? क्योंकि a इज वेरी वेरी स्मॉल। अब a स्मॉल है तो r2 अगर इसके इक्वल है, अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है r, ये टोटल डिस्टेंस कितना है r, r में से क्या माइनस करें a cos थीटा। फिर देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना है r, मुझे ये डिस्टेंस लेना है बस ये वाला, तो इसमें से क्या माइनस करें a cos थीटा, तो यानी कि r2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी r माइनस a cos थीटा। कोई डाउट इसमें? r1 समझ में आ गया, r2 ये और ये डिस्टेंस सेम, और ये डिस्टेंस होगा क्या r माइनस a cos थीटा, तो ये डिस्टेंस जो बचा दिस विल बी इक्वल टू r माइनस a cos, तो ये मैं कह रहा हूं अप्रोक्सीमेटली r2 है। क्लियर है यहां तक? ठीक, बस यहीं तक है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो आपने ये देखो q की वजह से v निकाल लिया, q by r2 माइनस q की वजह से v निकाल लिया माइनस q by r1, तो आपने ये कॉमन निकाल लिया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन आ गया, तो आपके पास r2 r1 अप्रोक्सीमेट आ गया, r2 की जगह ये वैल्यू, r1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी तो ये टर्म आ गई, एलसीएम ले लिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये टर्म इधर, ये टर्म इधर, तो ये रहा r r कैंसिल, कैंसिल करके आपके पास ये टर्म आ गई, ये टर्म में q इंटू टू ए क्या होता है डायपोल मोमेंट p, दिस इज द आंसर। तो यहां तक आपको प्रूव करना है, तो एट एनी पॉइंट डायपोल का v की वैल्यू क्या होगी इसके इक्वल होगी। अब अगर वो ये कहता है पेपर में कि मुझे तो एक्सियल पे v निकाल के दो, तो आप ये डेरिवेशन तो करोगे ही करोगे, एक स्पेशल केस एंड में लिखोगे इफ एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा एक्सियल, तो कॉस जीरो कॉस जीरो कॉस जीरो क्या होता है वन आंसर। और अगर वो कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे v निकाल के दो, इक्वेटोरियल में थीटा की जगह 90, कॉस 90 क्या होता है जीरो, तो आंसर स्ट्रेट वे क्या जाएगा जीरो। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वालों को? क्लियर है? यस सर।
ठीक है, तो बोलो इक्वली ली, अंदाजे से इक्वली, हाँ ए स्मॉल एस ले लिया, कौन सी ठीक है, तो ये आपके पास पोटेंशियल का टॉपिक आएगा, इसका आंसर क्या होगा, पोटेंशियल निकालना है आपने, ज़ीरो होगा, हाँ ज़ीरो होगा। दो तरीके हैं, पहला तरीका क्योंकि ये कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल है, तो वैसे ही आंसर ज़ीरो है, भी निकाले, अगर चलो नहीं भी याद रहता कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस कितना है पाँच, ये कितना है पाँच, तो ये चार्ज यहाँ वी क्या लगाएगा, 1/4πε0 -20×10⁻⁶/5×10⁻²। और ऐसे ही जो पॉजिटिव चार्ज है 20 वाला, वो कितना वी लगाएगा, वो इतना वी लगाएगा, और नेट आंसर क्या आएगा ज़ीरो। तो वैसे ही इक्वेटोरियल पे ज़ीरो आएगा वी, तो ये स्टेप सबको क्लियर है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को करना है, आप प्लीज़ खुद करेंगे इस क्वेश्चन को, कि सपोज करो ये आपके सामने कोई डायग्राम है, कॉपी में करें, आपको क्वेश्चन समझ लो, क्यू 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 चार्ज गिवन है, क्यू 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 चार्ज गिवन है, तो आपने माइनस क्यू चार्ज को, ध्यान से माइनस क्यू चार्ज को सी से कहाँ पे लेके जाना है, एट इन्फिनिटी, तो आपको वर्क डन बताना है क्या होगा इसमें, जब आप चार्ज को सी से इन्फिनिटी पे, आपने ये तो याद कर रखा है इन्फिनिटी से सी पे क्या करना है, अब इस बार उल्टा हो गया, इस बार सी से इन्फिनिटी पे चार्ज को लेके जाना है, तो वर्क डन क्या होगा सोचो। देखो इसमें आपको क्या करना है, पॉइंट को समझो, आपको चार्ज कहाँ से कहाँ लेके जाना है, आपको चार्ज सी से इन्फिनिटी पे लेके जाना है, ठीक है। तो रूल क्या है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितने चार्ज को लेके जाना है, माइनस क्यू को लेके जाना है, राइट। तो वर्क डन अपॉन चार्ज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस। अब आप कहेंगे सर ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन कैसे यूज़ करें, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं,
चाहे आप इन्फिनिटी भी लेके जा रहे हैं तब भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में ये बताएं कि चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, सी से इन्फिनिटी, तो ये कौन सी स्टेट है इसकी फाइनल, और ये क्या थी इसकी इनिशियल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी एट इन्फिनिटी माइनस वी एट सी, फाइनल माइनस इनिशियल। ये स्टेप क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। वर्क डन अपॉन माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं, इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस में सी से इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी क्या हुआ फाइनल और सी क्या हुआ इनिशियल, तो वी इन्फिनिटी माइनस वी सी, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। अब वी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 πε q/r, अगर आर इन्फिनिटी हो जाए तो क्यू बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो, तो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या होता है जीरो, क्लियर है। तो ये टर्म तो क्या हो गई सीधी जीरो, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी माइनस क्यू इंटू माइनस वी सी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्यू इंटू वी सी। तो अगर मैं आपको पोटेंशियल बता दूं सी पॉइंट पे क्या है, तो यहां पुट करके वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। तो सी का पोटेंशियल, सी पे पोटेंशियल लगाएगा कौन, सी पे पोटेंशियल लगाएगा क्यू 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 एंड क्यू, तो ये वाला क्यू सी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल लगाएगा 1/4 πε0 q डिवाइडेड बाय a बाय रूट टू, और ऐसे कितने चार्जेस है कुल मिला के चार, और v तो स्केलर, v तो वेक्टर है ही नहीं, जो स्केलर है तो सीधा चार बार ऐड कर दें, तो ये आपके पास पोटेंशियल आ गया c पॉइंट का। तो इस पोटेंशियल को यहां पुट करके वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, पॉइंट समझ में आ रहा है, बन तो गया पर कल रूल लगाया कैसे समझ में आ रहा है, दो पोजीशंस आइडेंटिफाई कर लो ना, अगर आप सीधा शॉर्टकट याद करोगे तो हो सकता है किसी पॉइंट पर ना चले, वो आपको फिर मान लो सी से कहीं डी पे ले जाता, तो वो तो चांस की बात है कि वी एट इन्फिनिटी जीरो हो गया ना, होता तो कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा ना। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये जो मैंने किया समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको। मैंने अपनी बुकलेट में कैसे किया कि मैंने ये लिखा अपनी किताब में, ध्यान से देखो कि वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज माइनस क्यू का फॉर्मूला वी सी माइनस इन्फिनिटी, मैंने उल्टा कर दिया, पर लेकिन ये भी याद रहे मैंने लिखा कि इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी, जबकि हमें क्या गिवन है सी टू, तो मेरे को ये वाली चीजों को क्या करना चाहिए चेंज, सही है ना। पर मैंने नहीं किया, मैंने क्या किया इन्फिनिटी टू सी का वर्कडन निकाल दिया, ये निकाल दिया, पर मेरे को वर्कडन सी से इन्फिनिटी की बने तो इसको मैंने नेगेटिव की जगह, पर वो तो एक ही बात है, मैंने यही पॉजिटिव कर दिया था घुमा के, ये ज़्यादा बेटर नहीं है, तो इस सोल्यूशन की जगह वो ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पर लिख लेंगे वी इन्फिनिटी और यहाँ पर लिख लेंगे वी सी। कोई डाउट इसमें, तो ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है ये, ठीक। तो आज के बाद जो वर्क डन के क्वेश्चंस हैं आपको ऑब्जेक्टिव में जब मिलेंगे तो इस टाइप से आपको ध्यान से करना है कि कहां से कहां लेके जाना है बस, तो फाइनल इनिशियल दैट्स इट, तब अपने आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक, याद करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट एनसीईआरटी में प्रूव करने को आता है, डेजर्ट डेरिवेशन आता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, और कॉम्पिटिशन के अंदर आप अपने कॉलेज में शायद एडमिशन ना ले पाएं जब तक आप इस क्वेश्चन को किसी कंपटीशन में सॉल्व ना करें, मतलब इसने तो आना ही आना है डीवी बाई डीआर वाला रिजल्ट, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है 99% चांस है पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर किसी ना किसी सेट में आपके पेपर में पड़ा ही होगा, ठीक। तो इसको लगाना इंपॉर्टेंट है, और आज के लेक्चर में बस कुछ नहीं करना, ये रिजल्ट करना है, और इस रिजल्ट के ऊपर, छोटे से रिजल्ट के ऊपर बस अगली शीट हमने करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है यहाँ तक। तो इसके अंदर टू प्रूव E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ V, मतलब V चेंज हो रहा है तो क्या बोलते हैं डी वी बाई डी आर का मतलब क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू R, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता तो बात अलग है, ये विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, तो डी वी बाई डी आर का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो मतलब पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या हो रहा है चेंज हो रहा है।
तो या तो पेपर में आएगा प्रूव दैट ई इज माइनस डी वी बाई डी आर, या फिर आएगा प्रूव दैट, ये देखो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी आर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो पढ़ना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक. तो इसके अंदर ये आपने एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें, मान लो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और आप एक किसी भी चार्ज को मान लो अगेन यहाँ पे लेके जा रहे हो, और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे ले गए डी आर. अब ज़्यादा बड़ा भी लेके जा सकते हो, पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैंने क्या ली, यहाँ पर स्मॉल ली. तो ये स्मॉल है मान लो, और स्मॉल कितनी है डी आर. तो मेरी चार्ज की डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है थीटा. क्लियर है यहाँ तक? तो चार्ज की जो डिस्प्लेसमेंट है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में एंगल कितना है थीटा. कोई डाउट इसमें? ठीक, जरूरी नहीं है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी लेके जा सकते हो. वो पूछने वाला आपसे बताएगा, पूछेगा कि, या बताएगा क्वेश्चन पूछते हुए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चार्ज आ रहा है. आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है किसी चार्ज की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है या एंगल थीटा पे है, तो कुछ भी आ सकता है. तो पहले मैंने स्टार्ट किया, सपोज इनके बीच में एंगल कितना है थीटा है. तो सपोज ये थीटा है, तो मुझे पता है कि स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में क्या होगा. अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, माइनस ई डॉट डी आर. मैंने इंटीग्रेशन का साइन यूज नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा बड़े बड़े पॉइंट्स में, पर मैंने डी आर यूज किया तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस. तो मैंने इंटीग्रेशन नहीं यूज किया, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा छोटा ही आएगा. तो मैंने बहुत छोटे पॉइंट्स लिए डी वी, तो ये रिजल्ट क्लियर है. अब यहाँ पे ई और डी आर के बीच में एंगल कितना है थीटा. ई में और डी आर में एंगल कितना है थीटा. तो ओपन किया ई डी आर कॉस थीटा. अब एक काम करते हैं, डी आर को इसके नीचे ले आए तो क्या बनेगा, माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा. तो आंसर आ गया ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. पर ये क्या हुआ, प्रूव तो करना था ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. ई कॉस थीटा कैसे आ गया, 99% क्वेश्चन में आपको ई और डी आर की डायरेक्शन क्या गिवन होगी, सेम. तो जब ये सेम गिवन होगी तो ई और डी आर में एंगल क्या लिया जाएगा, जीरो. तो कॉस जीरो क्या होगा, वन. तो जब डायग्राम ऐसा बनेगा तो ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि कॉस जीरो क्या हो जाएगा इसमें, वन. तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर तब लगेगा जब ई और डी आर आर इन सेम डायरेक्शन, एक ही लाइन में, राइट. और अगर वो एक डायरेक्शन में ना हुए फिर ये लगाना पड़ेगा. अब ये क्वेश्चन पढ़ते हुए पता लगेगा कि वो डायग्राम में ई और डी आर में एंगल थीटा लेगा, अगर लेगा तो ये लगेगा, अगर वो ई और डी आर में एक ही लाइन में लेगा फिर ये लगेगा. ज़्यादातर क्वेश्चन में ये लगता है, फिर भी फ्यू ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको कॉम्पिटिशन के अंदर भी जिसमें एंगल बना के देगा, तो फिर वो लगा लेंगे. क्लियर है यहाँ तक? तो जब पेपर में आएगा प्रूफ करने को तो सारा प्रूफ करते हुए ये लिख देना. अगर प्रूफ भूल गए, मतलब तो भूल ही गए ऐसे कैसे करना था प्रूफ, याद ही नहीं आया, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन. आप ये रिजल्ट लिख, याद हो गया आपको, आप ये रिजल्ट लिख लें, फिर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. ये देखो सेम, ये रहा क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ई डी आर कॉस थीटा को लिख लें ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो होगी डेरिवेशन उल्टी. क्रॉस मल्टीप्लाई करके तीन स्टेप में तो ऊपर पहुंच गए, तो रफ में लिखें फिर सीधा करके लिख दें, हो गया प्रूफ. तो क्लियर है, मतलब जो रिजल्ट है उसके अंदर ही इसका प्रूफ छुपा हुआ है. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अपने आप ही आंसर आ जाएगा. क्लियर है टॉपिक को तो ऐसे हो. ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है. ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर. यस सर. ओके, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ई इज इक्वल टू माइनर डी वी बाई डी आर, तो हमने किया ई इज इक्वल टू माइनर डी वी बाई डी आर में माइनस साइन शो क्या करता है. इसको समझने के लिए एक पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा. ये देखो, सपोज आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, राइट, ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से बाहर निकलेंगी और दूर जाएंगी कुछ इस तरीके से. ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ है. कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक?
तो ये बाहर जा रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी कि कहाँ पर है, आउटवर्ड्स है, क्लियर है। आप मुझे ये बताओ, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो तो आर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। अब वी का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0Q/R होता है, जब आर इंक्रीज होगा तो आपका वी यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज। तो एक रिजल्ट बन गया, एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, क्लियर है। तो एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में अब ऐसा पूछ लिया कि एक पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, फिर अगला पॉइंट है यहां पर 8 वोल्ट है, फिर 6 वोल्ट है, फिर 4 वोल्ट है, एंड सो ऑन। आप पूछेंगे पोटेंशियल लगाया किसने, होगा कोई चार्ज जो पोटेंशियल लगा रहा होगा, वो चार्ज इसमें गिवन नहीं है, बस पोटेंशियल्स गिवन है। क्वेश्चन है क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लॉट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इन दी डायरेक्शन जहां पर वी क्या होगा, डिक्रीज। तो वी कहां डिक्रीज हो रहा है, टूवर्ड्स राइट। तो अगर वी इस तरफ जाते हुए अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्वियसली इसी तरफ होगी। कोई डाउट इसमें, तो समझ में आ रहा है। तो मतलब अब आपको चार्ज नहीं चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए, अब तो अगर आपको वी भी पता होगा ना, तो वी की वैल्यूज को देखते हुए आप बता सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी। तो समझ में आया इसका रिजल्ट का फायदा क्या है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये फायदा, समझ में आ रहा है कैसे चेक करनी है डायरेक्शन। यस सर, यस सर, ओके। तो ये एक पॉइंट है राइट। अब दूसरा ये देखो, अगर यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कुछ पॉइंट्स अगर लिए जाएं इसमें, जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इन पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल को मेजर करूँ तो ये पोटेंशियल मुझे क्या दिखाई देगा, डिक्रीज, क्योंकि एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं और पोटेंशियल आपका कम होता हुआ दिखाई देगा, क्लियर है यहाँ तक। तो मैं आंसर दूंगा कि नेगेटिव साइन क्या जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, थ्योरी में समझा दिया मैंने कि एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी डिक्रीज। तो कई बुक सीधा लिख देती हैं कि नेगेटिव साइन ये शो करता है इसके अंदर कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाओ, आपका वी क्या होगा, डिक्रीज होगा। पर मजा नहीं आया कुछ, तो इसके अंदर हम एक काम करेंगे, इसके अंदर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे सारा कुछ समझ में आएगा आपको। मान लो आपके पास दो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, तो ए और बी दो पॉइंट हैं। तो मान लो ये x is equal to 2 x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट्स लिए, तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x is equal to 2, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x is equal to 5। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल गिवन है 15 वोल्ट है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल गिवन है 12 वोल्ट है। किसने लगाया, किसी चार्ज ने लगाया होगा, वो चार्ज मुझे दे नहीं रहा, मुझे चाहिए भी नहीं, तो मेरे को दो पोटेंशियल दे दिया, क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, आपको इस क्वेश्चन में इस डायग्राम को देखते हुए बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ई क्या होगा, ठीक, आपको ई बताना है। अब पहला पॉइंट, अगर आपको ई बताना है और आपको डी वी पता है, डी वी कैसे, आप पोटेंशियल का डिफरेंस तो निकाल ही सकते हो, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो E इज इक्वल टू माइनर डी वी बाय डी आर। मैं R की जगह X ले रहा हूँ क्योंकि सारा कुछ किस एक्सिस पे हो रहा है, X एक्सिस। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि सारा कुछ X एक्सिस पे हो रहा है, तो मैं लूंगा E इज इक्वल टू माइनर डी वी बाय डी एक्स, क्लियर है। अगर सारा कुछ Y एक्सिस पे हो रहा होता तो E इज इक्वल टू माइनर डी वी बाय डी वाई, और अगर Z पे हो रहा होता डी वी बाय डी जेड, और अगर एक्स वाई जेड तीनों में हो रहा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में है, मतलब कहीं पर भी एक वेक्टर बन रहा है, तो फिर E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, फिर R हो जाता, R इज अ पोजिशन वेक्टर जो आई कैप जी कैप और के कैप में होता है, मैं बताऊंगा उसको कैसे करना है। पर एक्स एक्सिस में तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई में कोई दिक्कत नहीं है, जेड में कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स वाई जेड में आर होगा, बाद में देखेंगे। तो इसमें एक्स चल रहा है,
अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम करने जा रहे हैं। आप एक चीज का फैसला कर लो कि आपको ए से बी पे जाना है या बी पे बी से ए पे आना है। अगर आपने ये गड़बड़ कर दी और आपने कहा क्या फर्क पड़ता है, जहां से मर्जी जाओ क्या फर्क पड़ रहा है, तो आप बड़े में से छोटा पोटेंशियल माइनस कर दो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप एक फैसला कर लो, जैसे मैंने किया, मैं ए से कहां पे जाऊंगा, बी पे जा रहा हूं। तो अगर मैं ए से बी पे जा रहा हूं तो ए मेरी कौन सी पोजीशन है, इनिशियल, बी कौन सी पोजीशन है, फाइनल। क्लियर है यहां तक? तो जब आप ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, और डीवी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या पुट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल कितना है यहां पर, 12, क्योंकि फाइनल पोजीशन क्या है, 12, इनिशियल कितना है यहां पर, 15। तो फिर मैं क्या करूंगा, 12 माइनस 15। ये स्टेप समझ में आया? क्योंकि आप ए से बी पे जा रहे हैं तो बी आपका फाइनल है, ए आपका इनिशियल है, और आपने यहां पर यूज किया फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। डिस्टेंस में भी सेम रूल है, क्योंकि आप ए से बी पे जा रहे हैं तो फाइनल पोजीशन क्या है, 5, इनिशियल क्या है, 2, तो 5 माइनस 2, फाइनल माइनस इनिशियल। ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर जब आप एक चीज देखें, जब आप ए से बी जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल इस तरफ जाते हुए क्या हो रहा है, डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहां पर है, इसी तरफ, क्योंकि जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होता है, ई भी उसी तरफ होता है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? तो आप एक चीज बताएं, जब आप इस तरफ जा रहे हैं, आपको ई कैलकुलेट करना है, तो आपका डीवी हर हालत में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। तो फाइनल कम मिलेगा, इनिशियल ज्यादा मिलेगा, तो इसका डिफरेंस आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ई भी नेगेटिव आएगा, भाई ई को तो पॉजिटिव होने दो। तो इसलिए यहां साइन क्या लगाया गया, नेगेटिव, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करना शुरू करोगे तो हर हालत में आपका डीवी क्या आएगा, उस नेगेटिव, और नेगेटिव को एडजस्ट करने के लिए आगे क्या लगाया, माइनस। समझ में आया नेगेटिव क्या शो कर रहा है? और क्यों लिखा था कि नेगेटिव साइन का यह सिग्निफिकेंस है कि एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी डिक्रीज, क्योंकि वी डिक्रीज होने से डीवी विल बी नेगेटिव, डीवी विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ऑटोमेटिकली बिकम्स पॉजिटिव। समझ में आया यहां तक? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, अब इधर देखो, तो ये -3 -3 प्लस, आंसर क्या आ गया, 1। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ई की डायरेक्शन में काम करें, आप उल्टा भी कर सकते हैं। आप ऐसा कर लें, ये देखो, आप डिसाइड करें कि आप कहां से कहां आ रहे हैं, बी से ए। चलो उल्टा चल पड़ते हैं। जब उल्टा चलेंगे और मैं अप्लाई करूंगा ई इज इक्वल टू -dv/dx, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, -dv। अब जब मैं बी से ए पे जा रहा हूं तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी मेरी, फाइनल, और ये क्या हो जाएगी, इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 15, इनिशियल क्या रहेगा, आपको क्या हो, ये तो पॉजिटिव हो गया, गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ, डिस्टेंस। अब वो साइन फाइनल 2, इनिशियल, अब देखो ना, अब वो काम जो नेगेटिव का इफेक्ट है वो डिस्टेंस ठीक कर देगा, तो आंसर आपका फिर से क्या आएगा, 1। तो सही बनाया फॉर्मूला जिसने बनाया, माइनस साइन लगाना सही बनाया। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? वैसे ये रूल ग्रेविटेशनल के अंदर भी लगा करते थे, वो अलग बात है कि उस टाइम इतना डीप, अगर ऑब्जेक्टिव जिन्होंने किए हों उनको दिखते होंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर ये फॉर्मूला, दिखेंगे आपको इज -dv/dx या dv/dr, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, बिल्कुल सेम रिजल्ट अप्लाई होते हैं ग्रेविटेशन के ऊपर, एक भी फॉर्मूला चेंज नहीं है। तो जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर अगर आप सीधा भी ट्राई करें, आप जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पोटेंशियल के न्यूमेरिकल इस चैप्टर की बात करेंगे, आपको सब समझ में आएगा वो क्या कर रहा है, रादर आपको इजी लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट तो काफ़ी डिटेल में है, ग्रेविटेशन फिर भी इतना डिटेल में नहीं है, पर आपको समझ में आएगा कि वो एग्जैक्टली कैसे रिजल्ट लगाते हैं इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन के।
तो क्लियर है यहाँ तक सबको? इंटरेस्टिंग है, ये थ्योरी से हटके है एकदम। ये अब वो थ्योरी नहीं है जो हमने की थी दो लेक्चर में, बंदा सोचता पता नहीं कहाँ आ गए, क्या पोटेंशियल की डेफिनेशन पे डेफिनेशन लगाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या करे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आएगा तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा जैसा भी मैं करा रहा हूँ। तो आप इस पूरे शीट्स को और अगली लेक्चर को ध्यान से देखें तो पोटेंशियल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, और ये खत्म हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम भी ये टॉपिक ऑलमोस्ट एक लेवल तक खत्म है और शेल स्टार्ट हो जाएंगे। शेल सेम है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर शेल्स किए थे वैसे ही वी, उल्टा आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो गॉस थ्योरम यूज करके 5 डेरिवेशन की थी, तब ई आया था, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए थे। इसमें वो भी नहीं करना, इसमें एक लाइन में बस फॉर्मूला आएगा और एक लाइन में खत्म, बस एक एक लाइन में वी आएगा और सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और शेल प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज डेट क्या होगी? 17, 2 दिन और ऊपर हो गया आधे महीने से, बस रह गए 13 दिन रह गए, टोटल 2 महीने खत्म हो जाएंगे ऐसे। तो आप बुकलेट देखो जो आपको हैंड रन दी थी, 50% क्रॉस हो चुकी है, 50% टप गई है, पता नहीं लगा, ऐसा लगता है अभी कोर्स स्टार्ट हुआ था। ऐसी है ना, वैसे करते करते आपको पता ही नहीं लगा कि कब 5 किताबें पूरी हो जाएंगी आपकी। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, रोकना नहीं है इसको, बंद नहीं करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिसिटी तक तो खूब जान लगा दो, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद इसी के ऊपर ही अगले चैप्टर चलेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसके बेस पे ही आगे अपने आप स्मूथ हो जाएगा। मैग्नेटिक्स काफ़ी ईजी है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो और ईजी चला जाएगा। तो इंटरेस्टिंग भी है उसमें, कुछ अलग ही लेवल है, ठीक है? तो प्रैक्टिस करो प्लीज़। ओके, तो ऑनलाइन वाले कर रहे हैं ना घर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब प्रैक्टिस? यस सर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो वी दे रहा है। अब देखो उसने कॉन्सेप्ट चेंज ही कर दिया, वो कहता है जी मैं पॉइंट के पोटेंशियल देता ही नहीं, जैसे 12 वोल्ट 15 वोल्ट मैं नहीं देता। वो क्या कहता है, मैं वी की वैल्यू देता हूँ कितनी, 2x वी मैं दूंगा कितनी, 2x। और क्या पूछ रहा है, ई निकालो और वो वेक्टर फॉर्म में निकालो। अब ई का वी का फॉर्मूला मुझे पता है, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर, पर बात तो समझ में आ रहा है कि वो एक्स एक्सिस में चला रहा है वी, तो मेरा क्वेश्चन किस में चलेगा, एक्स में, एक्स में चलेगा। तो ई वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूंगा तो माइनस डीवी बाई डी एक्स लिखूंगा, और वेक्टर फॉर्म में पीछे कौन सा कैप लग जाएगा, आई कैप, जो ये शो करता है कि डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है। और अगर ये वी 2y होता तो यहां पर y होता, यहां पर j होता, अगर ये z होता, z होता और k होता, बाकी सेम है। और अगर ये वी 2x प्लस 2y प्लस 2z होता, उसका आंसर मैंने दिया नहीं, उसका आंसर ये है, ये मैं बाद में दूंगा। तो पहले हम पहले एक एक्सिस का काम कर लें, 3 एक्सिस का इकट्ठे बाद में करेंगे, पहले सिर्फ इसको देखते हैं, तभी मैंने छोड़ दिया अभी वो, ठीक। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, v की वैल्यू जो भी है उठा के v की जगह पुट कर दो, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या आ जाएगी, 2x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉन्स्टेंट, dx पर dx क्या है, 1, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 2i कैप। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? तो आपके पास आंसर आएगा उसी तरीके से। अगर यही क्वेश्चन y में होता तो y में कर लेते, क्या दिक्कत है। तो जैसे v की वैल्यू गिवन होती 8y और वो पूछता इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो अलॉन्ग y एक्सिस, तो डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू y, ये लो, और पीछे क्या आता, j कैप। तो e वेक्टर इज इक्वल टू माइनस d बाई डी वाई ऑफ v, v की जगह कितना, 8y, क्या, j कैप। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 8 डी वाई बाई डी वाई क्या है, 1, आंसर ये जे कैप में आएगा आंसर, ये लो, सही है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब आपको क्वेश्चन वी का एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों में देगा, पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक डेरिवेटिव सीखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का एक स्टेप सीखना पड़ेगा, टाइप सीखनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव। हमने एक फुल डेरिवेटिव के साथ काम किया आज तक,
जितना भी प्लस वन प्लस टू किया हमने फुल डेरिवेटिव, आज हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। आपको कि फ़र्क क्या है, पहले तो सिंबल का फ़र्क है। फुल डेरिवेटिव को ऐसे लिखा जाता है जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लो ये पूरा डेरिवेटिव है। पार्शियल में ये लिखा जाता है, ये पार्शियल का सिंबल है एक्स वाई एंड जेड। तो सिंबल समझ में आ गया, ये फुल डेरिवेटिव ये पार्शियल। कहाँ यूज करनी है, कैसे यूज करनी है बाद में बताऊंगा, पर स्टेप्स क्या है, पार्शियल को सॉल्व कैसे करते हैं और ये फुल डेरिवेटिव से डिफरेंस कैसे है इसका, इसको समझ लेते हैं। तो करें स्टार्ट। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, अगर ये कंप्लीट डेरिवेटिव से सॉल्व करना हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड टर्म, ये क्या है वन, इसकी वैल्यू ऐसी छोड़नी पड़ेगी, इसकी वैल्यू ऐसी छोड़नी पड़ेगी, क्लियर है, आंसर ये छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो जब फुल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन है, तो इसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों के तीनों वेरिएबल ही माने जा रहे हैं, तभी तो अगर कॉन्स्टेंट होता आंसर जीरो ना आ जाता, तो ऐसे छोड़ना पड़ गया। लेकिन अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है और आप पार्शियल डेरिवेटिव से इसे ओपन करें, ये लो ये लो, ठीक, तो पार्शियल डेरिवेटिव ये कहता है क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं तो मेरे लिए वाई और जेड वेरिएबल नहीं है, वाई और जेड वो क्या मानेगा, कांस्टेंट। तो यहां तो आंसर वन दे देगा, वो कहेगा मेरे लिए वाई इज अ कांस्टेंट जीरो, जेड इज अ कांस्टेंट जीरो, ये फर्क है। तो आप जब डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल आ जाता है तो फुल डेरिवेटिव उसको जीरो नहीं मानता, पार्शियल डेरिवेटिव उसको कांस्टेंट मान लेता है और कांस्टेंट मान के अपना आंसर निकालता है। क्लियर है यहां तक, ठीक। जैसे जैसे सपोज ऑल इन वन, क्लियर है, ठीक yes, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई फुल डेरिवेटिव है और ऐसी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है, तो इसका आंसर तो मैं आपको दे सकता हूं एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, याद है यू इंटू वी का फॉर्मूला, आंसर उसका आंसर क्या होगा, जीरो, क्योंकि वाई को क्या मानेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज जी, कहाँ है कांस्टेंट, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट क्या आंसर वाई होगा, वाई की जीरो, पार्शियल डिफरेंशिएशन ये कहती है कि मैं एक्स को तो वेरिएबल मानूंगा, वाई इज अ कांस्टेंट, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ गया तो क्या बचा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो होनी नहीं ना, कांस्टेंट बाहर आ गया तो dx by dx is, तो आंसर इज y, बिल्कुल सही। आप देखो ही मत ना y को नंबर मान लो, कोई नंबर है जैसे 10 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी, वो तो बाहर आ सकता है ना, तो उसने कांस्टेंट को तो ले रहा ही नहीं है, उठा के बाहर कर देगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या फर्क है इन दोनों में, कोई डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को, क्लियर है, ठीक। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि अगर v की वैल्यू x में y में z में तीनों में गिवन हो, अगर तो x में गिवन हो फिर तो पता ही है क्या करना है, अगर y में गिवन हो तो भी पता है क्या करना है, z में गिवन हो तो भी पता, अगर x y z तीनों में गिवन हो जैसे ये x में y में z में, फिर क्या लगाएं, e इज इक्वल टू क्या, माइनस डी वी बाई डी आर। अब प्रॉब्लम ये है ना, एक्स लगेगा ना वाई लगेगा ना जेड लगेगा तो आर लगेगा, लेकिन आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद रखें, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स भी आएगा, डी वी बाई डी वाई भी आएगा, डी वी बाई डी जेड भी आएगा, लेकिन किस में आएंगे, पार्शियल में आएंगे, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो आई कैप जे कैप एंड के कैप, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन में ये v गिवन है, आपको क्वेश्चन में v देगा और आपसे क्या पूछेगा, e वेक्टर पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें
इस वी की जगह आप इसमें इस वी की जगह ये वैल्यू को पुट करेंगे, राइट। इसे सॉल्व करेंगे। अब दो मिनट कॉपी लें, मेरे सॉल्यूशन को ना देखें प्लीज, एक बार ट्राई करें कि आप पार्शियल लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे, चेक करना प्लीज, खुद लगाएं एक बार। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया ये स्टेप, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, आपने इसमें v की जगह और v की जगह वैल्यू पुट कर दी। माइनस साइन नहीं भूलना, माइनस बार लगाना है, लगा रहेगा। फिर उसके बाद डिफ्रेंसीशन स्टार्ट की पार्शियल। देखो डिफ्रेंसीशन इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसको करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि पार्शियल में ये इसको कॉन्स्टेंट मान के इसको क्या कर देगा, जीरो। तो सिर्फ 3x को करने का फायदा है, 3x रख लिया। फिर उसके बाद इसको करने का फायदा नहीं, सिर्फ 2y को करने का फायदा है। ऐसे इसमें इसको करने का फायदा नहीं, कांस्टेंट है, और सिर्फ माइनस z बचेगा। तो क्लियर है यहां तक, तो आसान हो गया ये। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, 3 को बाहर ले लेना है, dx by dx 1 है, 2 को बाहर लेना है, dy by dy 1 है, z को बाहर लेना है, माइनस 1 को बाहर लेना है, dz। तो आंसर तो क्लियर है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज ट्राई करो, खुद से ट्राई करो एक बार। अगर मान लो क्वेश्चन में, जैसे पिछले क्वेश्चन में है, अकेला अगर एक्स में होगा तो वो कह रहा है कि क्या पार्शियल यूज करेंगे कि फुल, जो मर्जी कर लो आंसर सेम ही आएगा। माइनस डी वी बाई डी एक्स फुल में हो या पार्शियल में हो, अगर सिर्फ एक्स ही वेरिएबल है आंसर सेम आएगा। प्रॉब्लम तो जो एक्स के साथ वाई कॉम्बिनेशन में होता है, तो इसलिए फुल और पार्शियल सेम आंसर देते हैं अगर सिर्फ अकेले एक्स में डिफ्रेंसिएशन करनी हो, अगर वी सिर्फ एक्स में गिवन हो।
देखो इसमें इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन एक्स वाई प्लेन, वो साफ ही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स में भी और वाई में भी है, तो ई एक्स अलग हुआ ई वाई अलग होगा। आगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी, तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो अगर ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, तो ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये बी का कोऑर्डिनेट है और ये सी, प्लॉट कर लोगे ए बी सी। वैसे क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होंगे तो प्लॉटिंग तो आप कर ही लोगे। तो यहाँ पर तीन पोटेंशियल गिवन है, ए पे 4 वोल्ट है, बी पे 16 वोल्ट है और सी पे 12 वोल्ट है, दे दिया। आपको इस डायग्राम को देखते हुए बताना है कि ई की वैल्यू क्या है, नेट ई कितना है, एक्स में भी होगा और वाई में। तो एक एक काम करेंगे, पहले एक्स में सॉल्व करेंगे फिर वाई में करेंगे, फिर दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर लेंगे। तो कैसे, जैसे सपोज आप एक काम करो, एक्स में चलते हैं, एक्स में या तो बी से ए की तरफ चल पड़ो या ए से बी, कोई एक फाइनलाइज कर लो। तो मैं नॉर्मली हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता हूँ, तो 16 से लेके 4 वोल्ट पे आ रहे हैं, तो हायर से लोअर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ई एक्स वो कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इस तरफ होगा। और ऐसे यहाँ पर 12 से 4, तो वाई एक्सिस में 12 से 4 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो डायरेक्शन से साफ पता लग रही है कि एक्स में डायरेक्शन कहाँ होगी, वाई में कहाँ होगी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो अगर हम बी से ए पे चलते हैं, बी से ए पे, तो बी से ए पे चलते हैं, तो ये क्या बन जाएगी आपकी फाइनल पोजीशन, ये क्या बन जाएगी आपकी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस में लगा लेते हैं फॉर्मूला माइनस डी वी बाई डी एक्स, डी वी तो फाइनल पोटेंशियल कितना है 4, इनिशियल कितना है 16, तो 4 माइनस 16, क्लियर है? माइनस लगे रहने दो, तो क्लियर है यहाँ तक, ये स्टेप क्लियर है। और कोऑर्डिनेट में एक्स में देखो, एक्स के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट लेना बस, ये देखो बस ये, तो ये फाइनल कोऑर्डिनेट और ये इनिशियल, तो क्या आएगा 2 माइनस माइनस 2, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पोटेंशियल डिफरेंस में फाइनल इनिशियल, एक्स में फाइनल इनिशियल, माइनस टू के साथ देना है, 2 माइनस माइनस 2 बिकम्स 4, टोटल डिस्टेंस तो 4 है ना, तो क्लियर है यहां तक? तो आपके पास सॉल्व करके क्या आ गया, ई ऑफ एक्स आ गया। अब ई वाई में चलते हैं, तो वाई में चलो मान लेते हैं मैं यहां से सी से ए पे आता हूं, तो ए बिकम्स फाइनल, सी इज इनिशियल, इनिशियल तो फाइनल 4, इनिशियल कितना 12, तो क्या आएगा 4 माइनस 12, तो डिस्टेंस में वाई डिस्टेंस लेने, अब वाई तो 2 माइनस 4, तो स्टेप क्लियर है। तो सॉल्व करके क्या आएगा, ई ऑफ वाई आएगा, ई ऑफ एक्स आ गया, ई ऑफ वाई आ गया, तो नेट ई क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। तो ई ऑफ एक्स पता है, ई ऑफ वाई पता है, ई ऑफ वाई ने नेगेटिव में ही आना था कि वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, आंसर। और अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले वैल्यू बताओ ई की, नेट क्या वैल्यू है, तो नेट वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, आंसर। तो वेक्टर फॉर्म में भी आ गया और स्केलर में भी आ गया, कोई डाउट इसमें, क्लियर है? तो कैसे लगेगा, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, समझ में आ रहा है सबको? बी और सी में, बी और सी में जरूरत नहीं है, आप लगा सकते हो, पर उसमें क्या प्रॉब्लम है, आप लगाओगे कैसे, ई इज इक्वल टू क्या माइनस डी वी बाई डी एक्स, नो, डी वी बाई डी वाई नहीं, डी वी बाई डी आर, फिर आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर को तोड़ते रहना एक्स और वाई में, फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आंसर तो इससे भी आएगा, पर ये ज्यादा बेटर नहीं है अलग अलग करना। फिर से अगर वो ये जो पोटेंशियल्स हैं ड्यू टू एनी गिवन चार्ज है, वो चार्ज तो पता नहीं, पर वो स्पेस में पोटेंशियल ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि ये वैल्यूज दे रहे हैं, तो हमने इसके अलोंग एक्स के अलोंग ई एक्स निकाल लिया, ई वाई निकाल लिया, तो इसके अलोंग हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा ई, एक्स वाई प्लेन में ई, तो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें, ऐसा नहीं कि इनको यूज नहीं किया जा सकता, यूज किया जा सकता है। पर क्यों करें,
यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल से देखो आपको इस स्पेस में होगा क्या कि आपको ना एक्चुअल में तो और भी पोटेंशियल्स गिवन होंगे। ये देखो जितने मर्जी ले लो, हजारों करोड़ों हैं, उसने 3 दे दिए कोई भी रैंडम उठा के, तो मैं इन दोनों को यूज करके ई निकाल सकता हूं, तो मैं उसको यूज क्यों करूं? किसी चार्ज ने ये सब पोटेंशियल लगा रखे हैं, तो मेरा काम इससे चल गया खत्म, मेरा काम इससे चल गया खत्म। ऐसे तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनके साथ साथ करूंगा क्या? आंसर तो सेम ही आएगा, वो दे नहीं रहा वो पॉइंट्स। वो बेसिकली यहां पर तो 2 पॉइंट दे रहा है, वो देने को तो 10 पॉइंट दे देगा, वो देने को यहां पर और सारे पॉइंट दे देगा। तो ये नहीं है कि इनको भी यूज करो, इनको भी यूज करो, ये कोई चार्ज थोड़ी ना है, ये सुपर पोजिशन थोड़ा यूज करेंगे कि सभी के पोटेंशियल को यूज करके आंसर निकालूंगा मैं। एक चार्ज है जिसने हर जगह पोटेंशियल निकाल लिया, हर जगह पोटेंशियल निकालने पे तो मैंने उनके कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लिए, उन 2 पॉइंट से मेरे पास वैल्यू आ गई, क्योंकि ई इज कॉन्स्टेंट। ऐसा तब चेंज होता जब ई वेरिएबल होता, इसमें तो ई कॉन्स्टेंट है। आप किन्हीं भी 2 पॉइंट में देख रहे हो ई की वैल्यू क्या आ रही है, 3 ही आ रही है, चेंज तो हो नहीं रही। तो मैं इन 2 पॉइंट से काम चला रहा हूं, मैं और पॉइंट्स क्यों लूं? हाँ, ये तब आएगी जब कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं होगी फिर ऐसा रिजल्ट लगेगा नहीं, ऐसा फिर तो हर दो दो पॉइंट पे लगाना पड़ेगा ना, फिर तो इंटीग्रेशन से आएगा जो आएगा, फिर कंबाइन कर दिया अगर करेंगे। लेकिन करेंगे क्या, डी आर क्या पुट करोगे, कैसे लगाओगे फॉर्मूला? चेक ट्राई कर लो, कर सकते हैं। हाँ ऐसे ही होगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। आप पार्शियल करोगे, आप पार्शियल क्यों करोगे जब बिना पार्शियल के काम ही चल रहा है? बात तो ये है। अच्छा मैं आपको एक पार्शियल का थोड़ा आपके स्टाइल में क्वेश्चन देता हूँ, ये लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये लो, हम एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके इस पॉइंट पे आते हैं। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस में मैंने आपको वी दिया, चाहे एक्स की फॉर्म में, चाहे वाई की फॉर्म में, चाहे जेड की फॉर्म में, चाहे एक्स वाई जेड की फॉर्म में, और मैंने आपसे क्या निकालने को कहा, ई निकालने को कहा, तो आपने डिफरेंशिएट के आंसर निकाल दिया, चाहे फुल डिफरेंस चाहे पार्शियल, आंसर आ गया, राइट। अब मैं उल्टा करता हूँ, चलो उल्टे में मैं आपको अब ई दूंगा और क्या पूछूंगा, वी निकाल लो। अब ये तो उल्टा हो गया, उल्टा कैसे हो गया कि अगर मैं आपको फॉर्मूला में ई इज इक्वल टू माइनर डी वी बाई, जैसे डी एक्स है, मैं v देता हूँ e आ जाता है, लेकिन जब मैं e दूंगा तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके e की वैल्यू लेके क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस v निकालना पड़ेगा। और dv से v कैसे आएगा, बाय इंटीग्रेशन। तो यानी कि v गिवन है और e निकालना है तो डिफरेंशिएशन, e गिवन है और v निकालना है तो इंटीग्रेशन। तो अब हम उल्टा काम करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशंस। तो इंटीग्रेशंस में आपको क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, आपको कहेगा ये ई वेक्टर ले लो, ई वेक्टर ले लिया, दे दिया ई वेक्टर, आपको कहेगा कि वी ऑफ ए बी निकालो, यानी कि कोई 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए पॉइंट है और एक पॉइंट बी पॉइंट है, और आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, ठीक। और क्या गिवन है, व्हेन चार्ज इज टेकन फ्रॉम, एक चार्ज को उठा के रख रहे हैं कहाँ से कहाँ, आर ए से लेके आर बी, दो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, आर ए वेक्टर एंड आर बी वेक्टर, क्लियर है यहां तक? तो आर ए वेक्टर से आर बी वेक्टर तक किसी चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो आपको क्या निकालना है इसमें, उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, राइट, ठीक है। अब वी ऑफ ए बी और वी ऑफ बी ए में डिफरेंस क्या है, एक फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। जब भी लिखा जाएगा वी ऑफ ए बी, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है वी ए माइनस वी बी, आप वी बी माइनस वी ए मत निकालना, माइनस साइन का फर्क आ जाएगा। तो वी ऑफ ए बी का मतलब है वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी, तो वी ऑफ ए बी का मतलब वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी, और वी ऑफ बी ए का मतलब वी बी माइनस वी ए, तो ये क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन पूछने वाला ये नहीं बताएगा वी ए माइनस वी बी निकालो, वी ऑफ ए भी दे देगा बस। तो आपको रीड करना आ गया, वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी, वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए, राइट, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट,
तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला हमने किया। अभी इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं, ये तो आप लिख ही लोगे। देखो आप इसमें ये तो आपने लिखना सीख ही लिया, वी ऑफ ए बी ये आपको वैसे लिखना आता है। अब लिमिट्स कैसे लगेंगी, जब मैं लिखता हूं वी ए माइनस वी बी तो इसका मतलब कि ये कौन सी पोजीशन है, फाइनल, और ये क्या है, इनिशियल। इसका मतलब फाइनल पॉइंट क्या चल रहा है इसमें, ए, इनिशियल क्या चल रहा है, राइट ठीक है यहां तक। जब हम कभी भी इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगाते हैं तो लिमिट में हमेशा यहां पर क्या लगाया जाता है और यहां पर क्या लगाया जाता है, लगाएं इसमें इनिशियल कौन है, बी, तो लिमिट किसकी लगेगी, आर बी, और फाइनल किसकी, आर ए बी से। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। फिर से एक बार, जब वो कहेगा वी ऑफ बी ए निकालो, वी ऑफ बी ए को ब्रेक करके लिख लोगे तो इसमें ये क्या पॉइंट है, फाइनल, और ये क्या है, इनिशियल। तो फाइनल का मतलब बी, इनिशियल का मतलब ए, राइट। अब लिमिट, इनिशियल लिमिट में यहां पर क्या लगेगी, इनिशियल, इनिशियल में कौन है, ए, आर ए, और फाइनल में क्या है, आर बी। समझ में आ रहा है यहां तक? कई लोग याद भी करते हैं, जिनको नहीं समझ में आता बुक्स पढ़ते हैं पता नहीं क्या लिखे जाता है, वो कहते याद कर लेते हैं कि वी ऑफ ए बी में ए पहले बी बाद में, बी पहले ए बाद में, मतलब बी ए ए बी। कैसे कर लो यार, समझ के करना है समझ के कर लो, ऐसे करना है ऐसे कर लो, अल्टीमेटली लिखना आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये ई वेक्टर गिवन है, आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर गिवन है, और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस वी ऑफ ए बी निकालना है। वापस आ जाते हैं, वी ऑफ ए बी की डेफिनेशन मैंने लिख ली, वी ऑफ ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बी आर बी से आर ए तक। अब एक काम करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ई वेक्टर मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो ई वेक्टर को मैंने यहां पे लिख लिया, जो भी ई वेक्टर गिवन है मैंने पुट कर लिया। डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर को ब्रेक कर लिया क्योंकि ये एक्स वाई जेड में चल रहा है, तो इसकी जो डी आर वेक्टर है डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, ये भी क्लियर है? ठीक। लिमिट्स, लिमिट्स में आर ऑफ बी से लेके आर ऑफ ए। अब लिमिट्स में आपको गिवन है पोजीशन वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, आप इनके कोऑर्डिनेट्स लेंगे, ये कोफिशिएंट्स लेंगे, सॉरी। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, टू, जे का क्या है, वन, के का क्या है, माइनस टू, वन माइनस टू वन। क्लियर है? तो आप चेक करें लिमिट्स में, लिमिट्स के अंदर जहां लगा हुआ है आर बी तो वहां बी के कोफिशिएंट्स लिख दिए, जहां लगा हुआ है आर ए वहां ए के कोफिशिएंट्स लिख दिए। क्लियर है? क्योंकि हमने इतने बड़े बड़े कोऑर्डिनेट्स या इतनी बड़ी बड़ी इंटीग्रेशन नहीं की, मतलब ये एक एक तो ठीक है, एक लोअर एक अपर, तीन तीन इकट्ठी चलेंगे, कोई टेंशन नहीं, आप लिख लो यहां पर। तो अब आप आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा, टू डी एक्स, थ्री डी वाई, फोर डी जेड। तो ये टर्म आ गई विद लिमिट्स, ये रही। क्लियर है यहां तक? अब मुझे एक चीज बताओ, जो इंटीग्रेशन होती है तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स क्या होती है, एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स क्या होती है, टू बाहर आ गया तो वन डी एक्स, तो क्या आएगी, टू इंटू एक्स, यही रूल है। तो देखो इंटीग्रेशन करनी है इसकी, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म। तो पहली टर्म की इंटीग्रेशन क्या आएगी, टू बाहर आ जाएगा, वन डी एक्स की एक्स, टू एक्स, इसकी करेंगे तो थ्री वाई, इसकी करेंगे फोर जेड। लिमिट्स वैसी लगती है जैसी हैं। क्लियर है? और लास्ट स्टेप है लिमिट्स पुट करनी है, तो लिमिट्स ऐसे पुट करनी है, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई और ये जेड। तो एक बार एक्स की जगह वन, वाई की जगह माइनस टू, जेड की जगह वन कर दिया, दूसरी बार एक्स की जगह टू, वाई की जगह वन, जेड की जगह माइनस टू। ये देखो
ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, और दोनों को क्या कर दिया, माइनस आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती नहीं है। वैसे एक आध ऑब्जेक्टिव के अंदर गिवन है, एक आधी गिवन है। एनसीईआरटी लिख लो, नॉट फॉर एनसीईआरटी, कुछ नहीं आना एनसीईआरटी में ऐसा, नॉट फॉर एनसीईआरटी। ऑब्जेक्टिव आपको दिखेगा, जो भी आप ऑब्जेक्टिव बुक्स करेंगे उसमें एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे यार मैं क्या सोचूंगा, पता नहीं क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। आपको लिखना आ गया ना डीआर में तो हर वक्त ही ये पुट करोगे, इसमें तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं। आरबी आरए के नंबर तो कोफिशिएंट चूज कर ही लोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ई वेक्टर आपको चेंज कर करके देता रहेगा, तो ये पुट करके डॉट प्रोडक्ट चेंज करके बाकी एवरीथिंग विल रिमेन। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, ये लो v ऑफ b a निकालो क्या होगा। e वेक्टर दे दिया मैंने आपको, v ऑफ b a निकालना है, और r वन वेक्टर दे दिया, r a दे दिया, r b दे दिया। थ्री की माइनस थ्री, माइनस माइनस टू, माइनस टू, ओके पता नहीं। चलो तो इसमें v ऑफ b a निकालना है, v b माइनस v a होता है, बाय डेफिनेशन e वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होगा, और क्योंकि ये फाइनल ये इनिशियल तो r a से लेके r b तक होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट माइनस e वेक्टर की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। कहाँ से कहाँ तक, आर ए, ए का मतलब कोफिशेंट टू कॉमा वन कॉमा माइनस वन, और फाइनल कोफिशेंट वन
कॉमा वन कॉमा टू, क्लियर है? तो इसको जब इसका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा डी एक्स, एक क्या आएगा डी वाई, और लास्ट क्या आएगा डी जेड। लिमिट वही टू वन माइनस वन और वन वन टू, यहाँ तक सबको क्लियर है? इसको ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, वन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स, तो एक्स, फिर नेक्स्ट की वाई, नेक्स्ट की जेड, कहाँ से कहाँ तक, टू वन माइनस वन से लेके वन वन एंड टू। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? ठीक है, यस yes. और लास्ट yes. में लास्ट में बस लिमिट्स पुट करनी है कि एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट यानी कि वन प्लस वन प्लस टू, माइनस एक बार लोअर लिमिट टू प्लस वन माइनस वन, कितना आंसर आ रहा है? माइनस टू आंसर। मेथड, अच्छा माइनस साइन साथ चल रहा है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, अब माइनस टू, ओके, हाँ क्या कह रहे हो, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर।